जींद में डेरा सच्चा सौदा के रूहानी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल रविवार को एकलव्य स्टेडियम के सामने सेक्टर 9 में पावन भंडारी की नाम चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जरूरतमंदों की मदद करके मानवता भलाई के 138 कार्यों को नई रफ्तार दी जाएगी। जानकारी साझा करते हुए कुलदीप इंसा ने कहा कि पावन भंडारी की नाम चर्चा को लेकर साध संगत में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के रूहानी स्थापना माह अप्रैल को हर वर्ष साध संगत जरूरतमंदों को राशन, निराश्रितों के मकान, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा, मंद बुद्धि अलाचार लोगों की सार संभाल और रक्तदान सहित 138 मानवता भलाई के कार्य करके मनाती रही है। साथ ही बताया कि भंडारे से संबंधित तैयारियां जोरों पर है। विभिन्न समितियों के सेवादारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। साथ ही नाम चर्चा में पहुंचने वाली साध संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवादारों ने ट्रैफिक, लंगर और शुद्ध पेयजल इत्यादि के बेहतरीन प्रबंध किए हैं। सभी साध संगत को जामे इंसा गुरु का डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस की करोड़ों करोड़ों बार बधाई हो जी। और साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये अप्रैल का महीना डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में खास महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में बेपरवाह साई मस्ताना जी महाराज जी ने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को एक जगह बिठाया और ये डेरा सच्चा सौदा इस अप्रैल महीने में स्थापना करके साई जी ने बनाया। और पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने मरती और इंसानियत की रक्षा के लिए जामे इंसा गुरु का चलाया और इंसान बनाए और इंसानियत के काम करने सिखाए। तो साध संगत इस अप्रैल महीने को बड़ी धूमधाम से मानवता भलाई के कार्य करके मनाती है। तो अब ये जो दूसरा हफ्ता है 10 तारीख सुबह 11 से 1 जींद के अंदर सफीदों रोड पे एकलव्य स्टेडियम के सामने जो ग्राउंड है वहाँ साध संगत मानवता भलाई के कार्य करके इस प्रोग्राम को 29 अप्रैल को स्थापना दिवस को 10 तारीख में जींद में मना रही है। तो इसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। तो सभी आम जन से, सभी प्रेमियों से यही रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में पहुंचे और शोभा बढ़ाएं जी। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा की पहली पातशाही पूज्य बेपरवाह साई शान मस्ताना जी महाराज ने 29 अप्रैल सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी। पिताजी ने लोगों को गुरु मंत्र देकर मानवता भलाई के कार्यों पर चलने का रास्ता बताया। और दूसरी पातशाही पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने हजारों सत्संग किए, जहाँ लाखों लोगों को गुरु मंत्र देकर इंसानियत की राह पर चलाया। तो वही मौजूदा गदिनशीन पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने मानवता भलाई के इस कारवां को गति देते हुए करोड़ों लोगों को गुरु मंत्र देकर उनका जीवन सार्थक किया। आज करोड़ों की संख्या में साध संगत पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं पर चलकर नशे व अन्य कुरीतियों से तौबा कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सत्य खबर, सत्य सटीक, बेबाक।